हैं बरेली की खबरों का, जहां पर उन अफसरों पर गाज गिरी है जिन्होंने समय पर शिकायतों को उसका निपटारा नहीं किया है। और बरेली के डीएम पंकज यादव ने उन सभी अफसरों का नवंबर के महीने का वेतन रोक दिया है जिन्होंने शिकायतों का निस्तारण समय पर नहीं किया। और डीएम के इस फैसले के बाद से अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है। और डीएम ने विकास से जुड़े विभाग, शिक्षा विभाग, नगर निगम, बीडीए, पुलिस विभाग समेत 166 अफसरों के वेतन पर रोक लगा दी है। दरअसल मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार IGRS पोर्टल पर सभी शिकायतों का ब्यौरा देना होता है और ये बताना होता है कि शिकायतों का निस्तारण समय पर कर दिया गया है, लेकिन नवंबर महीने के बाद से ही अधिकारियों ने जनता की शिकायतों पर गौर नहीं किया। ऐसे में डीएम ने सभी SDM, DM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और चकबंदी अधिकारियों और पुलिस विभाग के अफसरों का वेतन रोक दिया है। इसमें तहसील दिवस में आने वाले जो शिकायतें हैं या अधिकारियों के पास जनता की तरफ से जो शिकायतें हो रही हैं सभी का समय पर निस्तारण करना होता है, लेकिन बरेली के ज़्यादातर विभाग के अफसरों ने समय पर इन शिकायतों का निस्तारण नहीं किया है। वहीं डीएम ने खुद जिम्मेदारी मानते हुए अपना वेतन भी रुकवा दिया।